कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रहे। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मामगाई के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं दिशा निर्देश। उसी क्रम में आज हरचंदपुर पुलिस जो है हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की सघन तलाशी कर रही है और पहचान पत्र भी देख रही है। हम आपको बता दें कि क्राइम के रेशियो को कम करने के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक के द्वारा बैठकें की जाती हैं, जिसमें अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साफ तौर पर संबोधित करते हुए कहा जाता है कि जो भी क्राइम हो रहा है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्राइम पे अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकें करते हैं और वो सभी को दिशा निर्देश देते हैं। उसी क्रम में आज रायबरेली पुलिस के द्वारा लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर सघन चेकिंग की गई, जिसमें लोगों का पहचान पत्र भी देखा गया। S7 की डेस्क रिपोर्ट। पितरों को तृप्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान व तर्पण करके उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष पड़ते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध अक्सर सितंबर के महीने में ही होते हैं। इसकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है जबकि समाप्ति अमावस्या पर होती है। श्राद्ध के नियम क्या है हम आपको बताते हैं। S7 की एक विशेष प्रस्तुति है जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं श्राद्ध के नियम। पितृपक्ष में रोज तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के लिए आपको दूध, पानी, जौ, चावल और गंगा जल की जरूरत होती है। इस दौरान पिंड दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। हालांकि देवताओं को नित्य पूजन जरूर किया जाना चाहिए। इन दिनों में रंगीन फूलों का इस्तेमाल करना विवर्जित होता है। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, सलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। इस समय में कई लोग नए वस्त्र या सामान आदि भी नहीं खरीदते हैं। S7 न्यूज चैनल आज पितृपक्ष के दिन आपको अपना विशेष कवरेज दिखा रहा है। पितृपक्ष में आज हुई शुरुआत में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पूर्वजों को विधि विधान से कर रहे हैं जल अर्पित। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। गिगासो घाट की है और वहीं डलमो घाट की है, जहां पर विधि विधान के साथ में पितरों को जल अर्पित करने का पूजन कार्यक्रम चल रहा है। डेस्क रिपोर्ट। महालयारंभ है, उसमें पुत्रों को जल दिया जाएगा तो शुरू होगा। यहाँ पर रायबरेली जिला के आस पास के समस्त क्षेत्रवासी जल देने आते हैं। दो ढाई सौ आदमी यही होंगे।